हाय, आज जिस पेन की हम बात करेंगे उसका नाम है नारवाल की वेस्ट और इस डब्बे में वो पेन बंद है। इसको खोलेंगे और इसके बारे में बातें करेंगे। नारवाल एक यूएस बेस्ड कंपनी है, 2019 में एस्टेब्लिश हुई। दो चाइनीज बंदे हैं जिन्होंने पेन एंथुजियास्ट हैं बेसिकली, तो उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की और क्योंकि वो पेन एंथुजियास्ट खुद हैं तो क्वालिटी और स्टाइल और यू नो पेन के जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक फाउंटेन पेन की उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। बहुत ही बढ़िया पेन बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देयर पेन्स आर पिस्टन फिलर्स, तो पिस्टन फिलर्स ही इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन जो ये पेन हम बात करेंगे उसमें पिस्टन फिलर नहीं है। और नारवाल जो जो नाम है बेसिकली, नारवाल एक तरह का वेल है जो समंदर में पाया जाता है, पाया जाने वाला जीव है, ऐसे वो दिखता है। उसकी एक टस्क होता है जो कि इस वेल का टस्क होता है, लंबा दांत होता है जिससे ये आइडेंटिफाई होती है। और इस एनिमल का नाम नारवाल है, उसके नाम के ऊपर एक कंपनी का नाम रखा गया है। दोनों मेरे ख्याल से जो प्रोडक्शन करवाते हैं दोनों से, मतलब दोनों बंदे, इनकी जो कंपनी है काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इनकी चाइना में ही होती होगी, क्योंकि ट्रस्बी के सीईओ ने एक आरोप लगाया है कि नारवाल ने ट्रस्बी का पिस्टन फिलर कॉपी कर लिया है। तो उस बारे में अब ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ फिलहाल, अभी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये, अब और कुछ अगर इसमें न्यूज़ आती है तो देखते हैं। लेकिन पेन्स में ऐसे कोई पिस्टन फिलर या फिर कन्वर्टर ये सब कॉपी करें ना करें, इसमें मुझे नहीं पता ये कितना इम्पोर्टेंस होता है, बट सीईओ ने एक लेटर लिख के ऐसा बोला है तो हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो ये बात और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। बट फिलहाल नारवाल के पेन्स के बारे में बात कर लें। इनके सारे पिस्टन फिलर्स बहुत अच्छे होते हैं, इनकी पेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और ये जो पेन इन्होंने दो स्पेशली रिलीज किए थे, इन पेन्स का जो रेजिन है और जो इसकी बॉडी है वो स्पेशल है और इसका डिज़ाइन भी स्पेशल है। और जो दो नाम है इसके, एक तो आइला मोराडा और आइला मोराडा जैसा प्रोनाउंस करते होंगे और दूसरा की वेस्ट, ये दोनों फ्लोरिडा के पास की रिवर्स हैं जिनके बेसिस पे इस पर्टिकुलर सीरीज के इन दो पेन्स का नाम रखा है नारवाल ने। और अब इसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ा इसको खोलेंगे, देखेंगे, इसकी राइटिंग सैंपल लेंगे और पता करेंगे कि क्या इसमें बातें अच्छी हैं और क्या और अच्छी बातें हो सकती थी। जो इंक यूज़ करेंगे आज इस नारवाल पे वो है ये डायमाइन सार्गासो सी। मैंने इसे खोला नहीं अभी तक, तो ये भी टेस्ट करके देखते हैं आज इस पेन के साथ कैसे लिखती है। ये है नारवाल की लार्गो। सो ये जो डब्बा है उसमें ये नारवाल का लोगो बना हुआ है, इधर नारवाल लिखा है, इधर नारवाल लिखा है। जब आप इसको खोलेंगे तो अंदर एक फॉ लेदर पाउच है जिसमें आपको वो पेन अंदर रखा हुआ है। और इसको जब हम खोलते हैं तो अंदर एक प्लास्टिक कवर में ये ब्यूटीफुल नारवाल की लार्गो पेन आपको मिलता है और ऐसे ही पैकेजिंग में ही आता है बेसिकली। हालांकि मैंने ये पेन मैंने खोल के देख लिया था, बट स्टिल आपको दिखाने के लिए मैंने इसको रीपैकेज करके खोला है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, इस पेन की जो सबसे ख़ास बात है ये है इसकी बॉडी, ये जो मटेरियल है ये रेजिन में इन्होंने ग्लिटर सस्पेंड करके ये मटेरियल बनाया और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है आइला मोराडा उसका नाम है, वो ग्रेन और सैंड, गोल्डन सैंड वाले एक शेड में आता है कलर में और वो काफ़ी डिफरेंट गोल्डन उसका अपीयरेंस है। पेन की बात कर लेते हैं। पेन जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी, बिकॉज ये कैमरे के सामने है, थोड़ी ज़्यादा जगमगाहट इसमें लग रही है, बट इतनी लाउड नहीं है ये। अगर आप इसको पकड़ेंगे और यूज़ करेंगे तो ये ग्लिटर है और अच्छा दिखता है, बट इतना चमचमाता हुआ आपको ज़्यादा दूर से नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा इसका जो चमक है। और इसकी जो बॉडी है
काफ़ी खूबसूरत सिगार शेप, रेगुलर साइज पेन है। क्लिप थोड़ी डिफरेंट है, आप देखें बॉडी से दूर है जो इसका टॉप सेक्शन है, टॉप वाला पार्ट है, और ये यहाँ इंसर्ट करी हुई है। जनरली जो क्लिप होता है यहाँ फिनियो और कैप के बीच में जॉइन किया हुआ होता है, बट इसमें ऐसी बात नहीं है, इसको इंसर्ट किया हुआ है। अच्छा क्लिप है, स्टील क्लिप, स्प्रिंगी है, और जो कैप बैंड है वो थोड़ा ओरिएंटल स्टाइल में इसमें एनग्रेविंग्स हैं और बढ़िया इसको एक लुक देती हैं। इसको आप खोलेंगे तो आपको इस तरह से, एक्चुअली ये जो थ्रेड्स हैं मेटल थ्रेड्स हैं, बॉडी और बैरल सिगार शेप है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सेक्शन है वो भी उसी मटेरियल का बना है जिसकी जिसका ये बैरल या फिर पूरा पेन बना हुआ है। यूजुअली कई पेन्स ऐसे होते हैं कि बॉडी तो अच्छी दिखती है बट जो सेक्शन वाला पार्ट है वो यूजुअल जो नॉर्मल ब्लैक सेक्शन लगा देते हैं कॉस्ट कटिंग या फिर प्रोडक्शन एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए, वो बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती। इसमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सेक्शन वही रखा है जिस मटेरियल का ओवरऑल पेन बना हुआ है, और टेपर्ड सेक्शन है, टेपर हो गया फ्लेयर हो जाता है, काफ़ी बढ़िया लंबा सा सेक्शन है, ज़्यादा छोटा नहीं है, और ग्रिप खन में काफ़ी आसान। जो निब है, आपको निब दिखाता हूँ मैं, निब इनका खुद का बनाया हुआ निब है, इन हाउस ग्राइंड करते हैं, और ये जो नारवाल का लोगो बना है, एनग्रेविंग्स बनी हुई हैं, काफ़ी सारे एनग्रेविंग्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टील निब है ये, मीडियम साइज़ निब है ये, नंबर 6 निब, और बहुत अच्छे से इस पेन के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हुई नज़र आती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि निब का जो टिप है, आप देखेंगे टिप थोड़ा, इसमें बहुत सारा मेटल ऐसा लगता है कि रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो देखते हैं इससे लिखावट में क्या फ़र्क पड़ता है। इसको खोलेंगे तो बैरल, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पिस्टन फिलर नहीं है, इसमें कन्वर्टर है, और ये कन्वर्टर कार्ट्रिज कन्वर्टर इसमें अवेलेबल है, ये भी इन्होंने प्रोप्राइटरी अपना खुद का कन्वर्टर लगाया हुआ है, और इसमें हम डालेंगे सार्गासो सी डायमाइन और इसको चला के देखेंगे। ओवरऑल एक शानदार पेन है और होपफुली ये लिखती भी इतनी खूबसूरत हो जितनी ये दिखती है। ये इंक डालेंगे इसमें। थैंक यू सो मच। ये पेन बढ़िया से पोस्ट भी हो जाती है, आप देखेंगे, हालांकि मैं पोस्ट करके लिखना पसंद नहीं करता, तो फिर भी मैंने आपको दिखाया। पेन है हमारे पास नारवाल, और नारवाल की वेस्ट है हमारे पास। इंक मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डालेंगे डायमाइन, सार्गासो सी, सार्गासो सी बेसिकली, और मीडियम निब है तो लाइंस थोड़ी मोटी बन रही हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रोक सारे अपवर्ड स्ट्रोक में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज काफ़ी मोटी लाइंस बन रही हैं। मीडियम निब के लिए जो लाइंस बननी चाहिए और जो लिखावट आनी चाहिए वो इसमें आ रही है, और थोड़ी फ्लेक्स भी लग रही है कि होगी, बट उतनी फ्लेक्स नहीं है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी लिखावट है, तो एक बार लिख के देखते हैं और थोड़ा सा कुछ। जल्दी भी अगर लिखेंगे अच्छी लिखावट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और जो मैंने जो टिप पर मेटल की बात की थी वो मेटल की वजह से लाइन तो मोटी बन ही रही है, बट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइटिंग भी बन रही है। थोड़ा सा और लिख के देखते हैं।
काफ़ी स्मूथ राइटिंग है। तो जैसा कि मैंने एंटिसिपेट किया था कि निब भी पेन को कॉम्प्लीमेंट करती हुई, जितनी खूबसूरत पेन है उतनी खूबसूरत इसकी निब होगी, वैसा ही मुझे मिला है। बहुत ही बेहतरीन पेन है, बहुत ही शानदार। अगर ये पेन आप कैरी करेंगे, रखेंगे, तो ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, लोग पूछेंगे, एक चर्चा का विषय बन सकता है। इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन ये पेन है, तो होपफुली आप ट्राई करेंगे और लिखेंगे। ये अगर मुझे फाइन में मिलती तो शायद मुझे ज़्यादा और ज़्यादा पसंद आती। मैंने इसको मीडियम में मंगाया हुआ है, बट क्योंकि मैं मीडियम, मैं उतने बड़े बड़े अक्षर, यहाँ पे मैंने कोशिश की बड़े लेटर्स लिखने की, बट इतने बड़े में लिखता नहीं, और छोटे लेटर्स के लिए फाइन में भी बेहतर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझसे अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, बट ओवरऑल पेन बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच।